साइबर सेल की मदद से पुलिस ने 121 मोबाइल धारकों को उनके चोरी हुए मोबाइल लौटाए। मोबाइल मिलने से लोग काफी ज्यादा खुश हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। कहते हैं एक बार यदि आपका कोई सामान चोरी हो जाए और आपने उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है तो भले ही चोर मिल जाए पर आपका चोरी हुआ सामान वापस नहीं मिलता है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन आपके साथ आपके सामान की भी सुरक्षा करता है तो यह संभव हो सकता है। और ऐसा ही देखने को मिला है छतरपुर में, जहां पुलिस ने 25 लाख के चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इन मोबाइलों को मोबाइल धारकों को सौंपा है। मोबाइल 121 मूल धारकों को आज लौटाए गए हैं छतरपुर पुलिस द्वारा, और इसमें हमारे साइबर सेल की बड़ी अहम भूमिका रही है। और आज जब ये मोबाइल लौटाए गए तो इसमें कई स्टोरीज जो जैसा मुझे बताया गया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने EMI में ये मोबाइल खरीदे हैं, कई लोगों ने उधार लेके खरीदा है, कई लोगों ऐसे भी थे जो सब्जी बेचते हैं या ठेला लगाते हैं जो कि अपने 3 महीने की कमाई जोड़ के उन्होंने मोबाइल खरीदा है। तो एक ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हम लोगों को होता है कि इस प्रकार हम लोगों के खोए हुए मोबाइल लौटा रहे हैं, इसमें हमारे साइबर सेल ने बहुत मेहनत की। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।